कि हम जरा धींगरा साहब को चर्चा में ले आए। जयकांत मिश्रा जी को चर्चा में लाने से पहले धींगरा साहब, एक तो आपके पूर्व मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं, पिछली बार भी उन्होंने यही बात कही थी कि साहब गिरदावरी ठीक ढंग से नहीं हो रही है, हर जगह नहीं हो रही है, जो जरूरी जगह है उन्हें छोड़ा गया है या जहां नुकसान हुआ है उसकी अनदेखी की गई है, और जो अधिकारी हैं वो उदासीनता दिखा रहे हैं। जब आप लोग ये बात कहते हैं या ये आरोप लगाते हैं, सिर्फ राजनीति के लिए इन आरोपों का इस्तेमाल होता है या फिर वाकई कोई पुख्ता सबूत आप लोगों के पास है? और अगर है तो एक जिम्मेदार राजनीतिक दल होने के नाते क्या आप वो बीजेपी की सरकार के सामने रखेंगे? देखिए, मैं वही बात कहना चाह रहा हूं, आज अम्मू जी जो अभी बात कर रहे थे, ये बड़ी बड़ी बातें करने के सिवाय और कुछ इनको नहीं आता। ये कहानी सिर्फ सुनाने से काम नहीं चलता। ये जो अभी 200 रुपए की बात और जो दूसरी आई, अभी आप इलाकों में जाके देखे कि इनकी इतनी उदासीनता है, किसी इलाके में सर्वे हो ही नहीं रहा है और फसल कटने को आ गई है, अप्रैल का महीना आ चुका है और इनके जो इलाके हैं, इनके इलाकों में जाके सर्वे की रिपोर्ट के बीच में इनके पास कुछ है ही नहीं। ऐसी डिस्ट्रिक्ट्स है, हम लोगों के बीच में गए हैं, किसानों से मुलाकात करी है हमने, कई इलाकों में गए हैं हम लोग, हम लोगों ने जाके देखा है कि कहीं पे कोई अधिकारी चेक करने गया ही नहीं है और ये यहाँ पे बैठे लंबी लंबी हाँक रहे हैं कि हम चेक कर रहे हैं और हम दे रहे हैं और हम ये कर रहे हैं। अभी आप ये देखिए, और इनका कोई आदमी वहां पे पहुंचा ही नहीं है। अच्छा धींगरा साहब, एक बात बताइए, इतने लोग दुखी हो रहे हैं। धींगरा साहब एक बात बताइए, प्लीज एक बात बताइए धींगरा साहब, जब आप लोग की गिरदावरी चेक ही नहीं हो पा रही, वो उनको मिलेगा क्या? धींगरा साहब, जब आप लोग 2 रुपए, 5 रुपए, 20 रुपए, 200 रुपए के चेक बांट रहे थे, वो नियम के मुताबिक बांट रहे थे या सरकारी लापरवाही का उदाहरण थे? और आज जो बट रहे हैं, जिसे सूखे का मुआवजा कहा जा रहा है, सूखे के मुआवजे के जो 200-250 रुपए के चेक हैं जीन जुलाना में, वो नियम तय बट रहे हैं या फिर वो सरकारी लापरवाही है? देखिए, ये मैं सीधी सीधी आपको एक बात बताऊं, क्या है मामला कि एक घर के अगर मान लो 20 आदमी है, वहां जम्मू जी जो बोल रहे हैं अम्मू जी, वो ठीक बात कह रहे हैं कि जहां पे एक फैमिली के 20 लोग हैं या 15 लोग हैं, उनमें मुआवजा अगर उनकी गिरदावरी, उनकी जो जो फैमिली का दादे से लेके पोते तक जितने लोग उस फैमिली में आते हैं, उनकी डिवाइडेड राशि हो जाती है, वो इस वजह से हो जाता है, लेकिन ये 1, 2, 5 या 200 की बात नहीं है। ये बात ये है कि आपको इस समय जो आज के मुताबिक जो रेट मिलना चाहिए वो 25,000 रुपए से कम नहीं मिलना चाहिए, जो कि अम्मू जी अभी 10,000। अम्मू जी कह रहे हैं कि आपके शासनकाल में ये सूखा आया था, पहले ही आपके शासनकाल में ये सूखा आया था जिसके चेक बट रहे हैं, और वो सरकार को श्रेय ये दे रहा है कि हम कम से कम जिम्मेदारी से चेक बांट तो रहे। कहां बांट रहे हैं चेक? ये अभी तक तो इन्होंने गिरदावरी नहीं की है, सूखे की बात हो रही है। जीन जुलाना में जो चेक बटे हैं डिंगरा साहब, वो सूखे के चेक बटे इनके। बिल्कुल ठीक मैं कह रहा हूं आपको, मैं ये बात कहना चाहूंगा, जितने जो अमाउंट राशि कम है जिसकी बात ये कर रहे हैं, वो एक फैमिली जो दादा पोता और उसके आगे बच्चे चलते आ रहे हैं, उनमें जो डिवाइडेड अमाउंट बन जाती है उसमें आके अब ये खुद मान रहे हैं अम्मू जी की वो 200 रुपए बन गए या किसी के 250 बन गए। जब ये खुद मान रहे हैं ये चीज, तो ये चीज तो देखो, जो जितनी जमीन होगी उसके हिसाब से मुआवजा बटेगा। हम ब्रेक पर जाए, ठीक है डिंगरा साहब, ठीक है, हम अगला सवाल लेकर सर आते हैं आपके पास। 25,000 रुपए पर एकड़ लेके जानी पड़ेगी सर, बिल्कुल ठीक है, हम आते हैं अगला सवाल लेकर आपके पास। ब्रेक पर जाने का वक्त है, लेकिन जयकांत मिश्रा जी की टिप्पणी बिल्कुल सुनेंगे सर, ब्रेक के उस पार सुनेंगे, ब्रेक के उस पार डिंगरा साहब सुनेंगे। अभी चर्चा बहुत बाकी है, किसानों का मसला है, बड़ा संवेदनशील, बड़ा संजीदा विषय है। हम जरा ब्रेक पर जाने से पहले जयकांत मिश्रा जी की टिप्पणी यहां जरूर लेना चाहेंगे। जयकांत मिश्रा जी, विपक्ष का रवैया एक और सरकार का रवैया एक किसानों को लेकर, राजनीतिक दल बदलते हैं लेकिन विपक्ष और सत्ता की भाषा एक जैसी रहती है, ऐसा क्यों है? क्या वाकई किसान सिर्फ एक मोहरा है, अलग अलग लोग अपनी अपनी तरह उसे इस्तेमाल कर ले जाते हैं? देखिए,
हमारे एक समय देखा गया था कि बिहार में एक चारा घोटाला हुआ, तो चारा जब घोटाला हुआ तो लोग कह रहे थे कि इसका एफआईआर कौन दर्ज करेगा, ठीक है, क्योंकि भैंस तो एफआईआर दर्ज कराने जाएगी नहीं। तो एक माहौल एक ऐसा है किसानों के प्रति कि कोई भी थपेड़ मार करके चला जाए यहाँ आवाज उठने वाली नहीं है सिवा राजनीतिक दल के। तो मेरा ये पक्ष है कि बात और पार्टी और पक्ष से उठ करके इन तमाम दलों को एक प्लेटफॉर्म पे आकर के किसान हित में सोच रखना चाहिए। ये तो मेरा सभी लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के साहब बता रहे थे कि इनके बिजली के बिल माफ कर दिए गए, इनके लोन माफ कर दिए गए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ लोन के ऊपर नहीं नहीं जो भी आज है, हाँ थोड़ा सा मैं अपनी बात कह दूं तो माफ तो आप कर दिए, लेकिन जिन्होंने लोन लिए होंगे उनका आपने माफ कर दिया, जिन्होंने लिया ही नहीं, जिन्होंने लिया नहीं उनका क्या हुआ। सवाल ये उठता है कि आप परिपक्ष में उस तरह से देखते हैं जो एकड़ की बात करते हैं, जिनके पास एकड़ नहीं है उनका क्या होगा। सवाल ये है कि आत्महत्या का तो कोई मुआवजा ही नहीं है। दूसरी चीज कि आप जो सर्वे करते हैं, क्या 50 साल से पटवारी ने कोई सर्वे नहीं किया जिसका आप गोदावरी की बात कर रहे हैं कि किसका क्या हुआ। दूसरी चीज आप एक चीज को याद रखिएगा, इसको महाराष्ट्र के जो किसान आत्महत्याएं करते हैं कहीं उस दृष्टि से भी आप देखिए कि एक छोटा किसान जो सब्जी के लिए काम करता है, एक छोटा किसान जो एक जिला के लिए काम करता है, जो अपने दो परिवार के लिए काम करता है, या यूं कहिए कि बड़े किसान से वो जमीन लेकर के अपने परिवार को पालने के लिए किसान का काम करता है, उसकी सोच कौन रखेगा। जो 10,000 रुपए की आप बात करते हैं, आज एक बात देखिए, 10,000 रुपए का दवाई से लेकर के और बीज का खर्चा भी नहीं निकलता। ये एक बड़े परिपक्ष में आप देखिए, आप देखिए आप कहां से शुरू हुए, आप पिछले जो एग्रीकल्चर लैंड से लेकर के और जो उसमें आप सारे पूरे देश भर के किसान आपके पीछे पड़ गए। आपकी जो किसान नीति है, अभी हम लोग जो बजट पे बैठ करके हरियाणा के बजट पे बहस कर रहे थे, उस बहस में क्या निकल करके आया कि पूरे जो बजट है उस बजट के अंदर किसान का जो रूपरेखा है हरियाणा सरकार का वो बहुत पारदर्शी नहीं है, मतलब वो हित में नहीं है, बिल्कुल जिसके जिसकी वजह से उसके पास सीधे जाकर के फायदा पहुंच सके। फिर इतने दावे कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तकलीफ नहीं होने देंगे वगैरह वगैरह, फिर ये दावे इनका क्या मतलब? अगर नीतियां आप बनाते हैं तब तो वो नीतियां उतनी सक्षम दिखती नहीं किसानों के लिए, और जब आप दावे करने खड़े होते हैं तो बड़े बड़े दावे होते हैं। मेरा ये मत ये है कि जब आप कोई अपना एक्शन करते हैं एग्रीकल्चर को और या कोई ट्रांसपोर्टेशन के लिए या कोई डिस्ट्रिक्ट के अंदर लैंड एक्विजिशन करने के लिए, तब तो आपके पास पूरे आंकड़े रहते हैं ब्लूप्रिंट बन करके। जब ऐसे आफत आते हैं तो ऐसा कोई प्रावधान क्यों नहीं है कि इमीडिएट उसको रिलीफ मिल सके। और गहलोत साहब जिक्र भी कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में आपने दिया है लेकिन हरियाणा में आप नहीं दे रहे हैं जो किसानों को सबसे ज्यादा जरूरत है। छोटा सा जवाब दीजिए सर, फिर ब्रेक पर जाना जी। मैं मेरे काबिल मित्र को एक बात कहना चाहता हूं, प्रदेश में हर साल दो बार गिरदावरी होती है, मार्च में और नवंबर में। जो गिरदावरियां होती है, जो अभी कह रहे थे कांग्रेस के मित्र के गिरदावरियां नहीं हो रही है, हर साल गिरदावरी होती है, दो बार होती है, और इस फसल के लिए स्पेशल गिरदावरी का ऑर्डर किया हुआ है, जो कि जब प्राकृतिक आपदा कभी कभी भी आती है, पिछली सरकारों में भी आई, मुझे लगता है कांग्रेस के मित्रों की जब सरकार रही है, चौटाला साहब की जब सरकार रही, तो आप लोगों ने खूब मुद्दा बना, मुझे लगता है कभी मुझे खूब मुद्दा बनाया, चुनावी सामना तो सबसे ज्यादा ये लोग सुनिएगा, हम कह रहे हैं, आपने बहुत हमारा कह रहे हैं कि अभी चौटाला जी की बात कांग्रेस की बात वही कह रही है। आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि हमको किसानों के ऊपर राजनीति करनी चाहिए, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। पूरा करने दीजिए मुझे, तो पूरा करने दीजिए आपको। आपने जो एक बात कही कि हमें किसानों के इस कम से कम इस दुख दर्द में हमें उनका सहभागी बनना चाहिए, उनका साथी बनना चाहिए, राहत जो आज चाहिए सर, आज की पहली मैं वही कर रहा हूं, मैं वही कर रहा हूं। आज देश के अन्नदाता जो हरियाणा का किसान बड़ा जागरूक किसान है, आज जो उसके ऊपर संकट आए, हम सबको मिलकर उनकी मदद करनी चाहिए। जो सरकार प्रयास कर रही है, हम प्रयास कर रहे नहीं है, दिल से कर रहे हैं और काम कर रहे हैं, और हम फील्ड में काम कर रहे हैं। ये लोग जो प्रयास कर रहे नहीं नहीं आप दिल से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन 15 दिन गुजर गए, 15 दिन गुजर गए, पहली किस्त नहीं पहुंच पाई। राजीव जो मेरे कांग्रेस के मित्र बोल रहे हैं, इन्होंने 2-2, 5-5 रुपए देकर किसानों के साथ मजाक किया पिछले 10 सालों में। नहीं, मैं राजीव जी छोटी बात करना चाह रहा था, बिल्कुल नहीं करने देंगे। राजीव जी आप गलत बात कह रहे हैं, एक एक करके सर, एक एक करके आप एक एक करके जयकांत जी की बात, किसानों के साथ मजाक बस अब बुझियो, जयकांत जी के दो बातें कहना चाह रहा हूँ, मैं दो बातें बस सिर्फ कहना चाहता हूँ, और ये किसी खरीदना नहीं चाह रही। जरा सुनिए, मैं दो बातें सिर्फ कहना चाहता हूँ कि मुझे
भूख आज लग रही है और आप कहें कि मैं परसों पूरी खिलाऊंगा, वो भी दिल से प्रयास करके, उसका क्या परसों पूरी देंगे दिल से प्रयास करके? ऐसी बात नहीं, नहीं फिर 15 दिन हो गए किसानों तक मुआवजे की पहली किस्त नहीं पहुंची। अगर आपकी नियत इतनी अच्छी है कि केंद्र दे या न दे, अम्मू जी अगर केंद्र दे या न दे, झूठ बोल रहे हैं किसानों के, राजीव जी हम महसूस कर रहे हैं, ये मत है मेरा, देखिए मदद कर रहे हैं पूरी तरीके से, पहुंचनी चाहिए सर। तो 30 तारीख तक मुख्यमंत्री ने कहा है, 30 दिन लग जाएंगे। जम्मू कश्मीर में गहलोत साहब उदाहरण दे रहे हैं, पूरी दुनिया जानती है, एक प्रक्रिया है, वो भी प्रक्रिया के तहत हुआ है कार्य। यानी जब किसानों को मदद पहुंचाने की बात हो तो सारी प्रक्रियाएं फॉलो की जाती है, मदद मिलने के, और जब जमीन पर, जमीन पर अध्यादेश लाने की बात हो तो फिर एक ही प्रक्रिया। देखिए सरकार जब ये चाहेगी कि कोई राहत पहुंचाए, देखिए पूरी फ्लाइट गई है और 200 लोगों को वहां से उठा करके जनरल बीके सिंह लेकर के आए हैं। आप अगर आज चाह जाइए कि इस हरियाणा के उन तमाम किसान, देख मरने के बाद डॉक्टर आके क्या करेगा, आपको इलाज अभी करना पड़ेगा। अभी जो लोग हैं, एक ब्रेक ले, किसी व्यक्ति पे नहीं जा रहा हूँ, डॉक्टर मिश्रा डॉक्टर मिश्रा एक ब्रेक ले, हम मुझे डॉक्टर मिश्रा एक छोटा सा ब्रेक ले, बस डिंगरा साहब आ रहे हैं, गहलोत साहब आएंगे सर आपके पास, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के उस पार किसानों को लेकर यह चर्चा जारी है। एक सवाल और, सरकार 10,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा दे रही है, कांग्रेस पार्टी 20,000 रुपए प्रति एकड़ की बात कर रही थी, अब यह आंकड़ा 25,000 से 30,000 हो गया है। इनेलो भी अब 25,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजे की बात कर रही है। तमाम पैनल इस बात को लेकर एक राय है कि जो 40,000 रुपए का खर्चा आता है एक एकड़ पर, अगर आप उगाई पर खेती करते हैं, सवाल यह कि 10,000 रुपए प्रति एकड़ आप दे भी देंगे तो इससे किसानों का क्या भला होगा? क्यों किसानों के बारे में जब हमारी सरकारें सोचती हैं तो वो तंग दिल हो जाती हैं? और आखिर मुआवजा कब मिलेगा, तय वक्त में मिल जाएगा या नहीं मिलेगा?